आज हमारा तीसरा दिन है, होटल से निकल लिए। अब यहाँ पे थोड़ा जू घूमेंगे, लाल चाय पी रहे हैं, जू जाएंगे और केव गार्डन है वो घूमेंगे। आज हमारे पास ज़्यादा है नहीं घूमने के लिए, ये दो चीज़ हमने छोड़ रखी थी घूमने के लिए, और फिर शाम की ट्रेन है दिल्ली वापस। अभी फिलहाल चाय पी रहे हैं। उसको बता, मेरे को तो पता नहीं लेक के साथ। यहाँ से हम जू के लिए जा रहे हैं पैदल ही, चढ़ाई है यहाँ पे काफी। थक गए अभी तो आधा ही हुआ है, लेकिन जो देखो ना चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, उधर की तरफ तो और ज़्यादा हाई थी। थक गए। यहाँ पे धीरे धीरे मस्त व्यू आने वाला है, अभी लेक दिखाई नहीं दे रही लेकिन लेक भी दिखेगी। बहुत ही है वह ज़्यादा दूर की। आने को तो हम भी गाड़ी से आ जाते, लेकिन यहाँ पे जू में आने के लिए पैदल आओ तो बेस्ट है। थोड़ी चढ़ाई है, थोड़ा थक जाता बंदा, लेकिन जो मज़ा आता है पैदल में ही आता है। पहाड़ों में तो पैदल घूमने में ही मज़ा आता है। फिर आपको जो मेहनत करते हैं आप अपनी एनर्जी, उसके बाद से कुछ ऐसा व्यू मिलता है देखने को तो दिल खुश हो जाता है। टाइमिंग 10 से 4:30 तक की है, सुबह 10 बजे ओपन होगा, 4:30 बजे बंद हो जाएगा, उसके बीच में घूमो। थोड़ी सी दूर में ही आ गए हम जू पे। टिकट काउंटर खुल गया, अभी तो एंट्री कर सकते हैं। चलो 100 रुपीज पर पर्सन। यहाँ से पीने का पानी भर लो।
बनेगा तो देखेंगे। फोटोग्राफर नैनीताल का ज़ू आने का फ़ायदा होता है, काफ़ी सारे ऐसे पक्षी या जैसे जानवर वगैरह दिख जाते हैं जो कभी नहीं देखे और यहाँ दिखते ही दिखते हैं। दिल्ली वगैरह में दिख, लास्ट टाइम भी जब हम यहाँ आए थे तो भी इस टाइम पे काफ़ी सारे दिखे थे, आज भी है। और दिल्ली के ज़ू में तो खाली पड़े रहते ज़्यादातर। आजा क्या मुर्गो का चोर है, वो मुर्गो चोंच मार देगा वो। अरे ऐसा करना लगा, इधर है वो बुला रहा है। इसकी वीडियो बहुत बनाए थे हमने, टाइगर लास्ट टाइम तो टाइगर देख के ही पूरा पैसा वसूल हो गया था। कल टाइगर देखने चले, आ जाओ पहले टाइगर देख के आते ना। आजा मोहन, बंगाल टाइगर। लेटा हुआ वहां से तैयारी से पहुंचा नहीं गया। आ गया, आ गया, टहल रहा है। देख ले पूरी टाइगर भी टहल रहा है, तू देख ले बहुत शौक में खाल कितने सारे लग रहे हैं। मस्त एक्सपीरियंस हो रखा हुआ, इतनी पास से देखने को मिल रहा है, आवाज से ही देख डर लग रहा है, उतना तो बड़ा है वो पास ही घूम रहा है। फ्रंट जंप मार देगा भी, पीछे तक पीछे पीछे लेपर्ड।
ऊपर से तो बहुत बड़ा लग रहा है। व्हाइट मोर देख के तो दिल ही खुश हो गया। अब व्हाइट तोता जोड़े वाले हैं। उधर जो बैठा हुआ है ना येलो कलर वो मस्त लग रहा है। ये आ गया अकेला ही होगा वापस चला गया। ऊपर भी गया मोर बहुत सारे हैं। किनारा दीवार पे किनारा किनारा बैठे हुए खुजली खत्म नहीं हो रही। ए खुजली उसको पता है भाई उसकी वैल्यू है घोटली वाले की। उसको ना ये है क्या है नैनीताल में ऐसे ऐसे पक्षी देखने को मिल जाते हैं जो कभी नहीं देखने को मिलेंगे। पेड़ पौधों से घिरा पड़ा है नजारा एक नंबर के आते हैं भाई कुछ भी को। एंड हो ही गया। ये एंट्री करते ही पड़ जाता है या तो पहले जू पूरा घूम लो या फिर पहले सीधा यहीं आके फोटो खिंचवा लूं मैं। एक रास्ता है जू से नीचे उतरने का इसमें पूरे में बस सीढ़ी सीढ़ी है टिकट काउंटर से ही पड़ता है ये भी रास्ता। Thank you.
टिकट काउंटर के साइड में से रास्ता सीधा सीधा माल रोड पे निकल। ये रास्ता पूरा का पूरा एकदम जंगलों के बीच में हो, जैसे नैनीताल से तो अलग ही फीलिंग है इस रास्ते की। चारों तरफ जंगलों के बीच में घूम रहे और आगे नीचे नीचे आगे थोड़ी देर में नीचे भी आ गए, जू भी घूम लिया, सीधा लेक पे ही शॉर्टकट। गाइस थोड़ी देर हम बैठे वहाँ पे, उसके बाद हम टेंपल की तरफ जा रहे हैं, मार्केट की तरफ, वहाँ बैठेंगे। हाँ भैया, और ऐसे आज का दिन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर शाम को गाड़ी करके रेलवे स्टेशन काठगोदाम, वहाँ से अपनी ट्रेन है जाने की 8 बजे की, 8:40 की है। तो अगर वीडियो अच्छा आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कुछ नहीं बाकी टाइम बिताने के लिए, अगर आपके पास टाइम है और आप बाकी चीज़ें घूम, तो माल रोड पे ये जो साइड में भी है, यहाँ पे आप नॉर्मली अपना टाइम बिता सकते हो। बैठने के लिए भी हैं सीट वगैरह, गाड़ी वगैरह भी नहीं चलती यहाँ पे। बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।